आज हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, जब संस्थान के अंदर हमारे आश्रम में अलग-अलग पेरेंट्स का फोन आता है, हमारा बच्चा 3 साल का है, ब्लड कैंसर हो गया है, हमारा बच्चा 5 साल का है, ब्लड कैंसर हो गया, हमारा बच्चा 6 साल का है, ब्लड कैंसर हो गया। इतने छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया सबसे ज़्यादा होने वाला ब्लड कैंसर बच्चों के अंदर। इसके अंदर एलोपैथिक चिकित्सा के अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है, इसके अलावा उनके पास कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। तो कीमोथेरेपी, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अलग अलग तरह के केमिकल दिए जाते हैं। जो डॉक्टर कीमोथेरेपी देता है बच्चे को, उसको ये भी पता नहीं होता है कि ये कीमोथेरेपी इस बच्चे पर काम करेगी या नहीं करेगी, इसकी क्या मात्रा रखी जाए ये भी पता नहीं होता है। एज अ एक्सपेरिमेंट बच्चे को दी जाती है। बच्चे को कीमोथेरेपी देने के बाद में क्या प्रभाव रहता है, उसके बाद तय किया जाता है कि डोज कम करनी है, ज़्यादा करनी है। इतनी हार्मफुल केमिकल थेरेपी दी जाती है बच्चों को। हमारे संस्थान ने पंचगव्य से विशेष किट तैयार किया है ल्यूकेमिया से पीड़ित बच्चों के लिए। जिन बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया है, छोटी एज है, उनके लिए भी पंचगव्य में औषधियाँ है और पंचगव्य से चिकित्सा संभव है। एक नेचुरल उपाय, प्राकृतिक उपाय और घरेलू उपाय बच्चों के कैंसर में आप कर सकते हैं, उसी की हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले बच्चों को अगर आपको पता चल जाता है ल्यूकेमिया है, ये पता कैसे चलता है? साथियों, बच्चों के अंदर सबसे पहले जो सिम्टम देखा जाता है वो है बार बार बुखार आना, खांसी, जुखाम और बार बार इन्फेक्शन, और बच्चों का कमज़ोर होना, खाना पीना छोड़ देता है। इस तरह की समस्या होती है, लंबे समय तक ये समस्या चलती है, तब टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर और पता चलता है ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। तो माता पिता इस समय घबरा जाते हैं। एक तो बच्चे की छोटी आयु 3 साल, 4 साल, 6 साल, माता पिता को उस समय कुछ नहीं दिखता है, जैसा डॉक्टर कहेगा वैसा करेगा, और इस तरह की थेरेपी में चला जाता है कि बहुत सारे बच्चों जान से हाथों बैठते हैं इस तरह की थेरेपी के अंदर। तो साथियों, अगर ऐसा कुछ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक बार आप ज्योतिर्मयगोमी सेवा संस्थान से परामर्श अवश्य लें, और एक जो उपाय आप घरेलू कर सकते हैं वो है देशी गोमाता के गव्यों का सेवन। अब देशी गोमाता के गव्यों का सेवन एक अद्भुत औषधि है जो इस तरह के पेशेंट पर संस्थान ने प्रयोग की और अद्भुत परिणाम देखने को मिला है। वो है पंचगव्य, ताज़ा पंचगव्य बना के पिलाना। ताज़ा पंचगव्य बनाने के लिए देशी गोमाता का गोमूत्र, दूध, दही, छाछ, घृत, इनकी आवश्यकता होती है। किस तरह से ताज़ा पंचगव्य बनाना है उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब नीचे लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताज़ा पंचगव्य कैसे बनाएं और पूर्ण रूप से इस तरह के कैंसर की चिकित्सा संभव है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गो माता, वंदे मातरम।